ऑनलाइन टीचिंग इंग्लिश। सो आज के इस वीडियो में हम क्लासरूम कन्वर्सेशन के कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जो अभी तक के वीडियोस में हमने नहीं पढ़े। पिछले वीडियो में हमने कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए थे, आगे के सेंटेंसेस आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन अवर लेटेस्ट अपलोड्स। सो आज के इस वीडियो में हम ओनली फॉर सिक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन विद आंसर है, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट्स के कन्वर्सेशन से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इट्स ऑल राइट एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स सबमिट योर होमवर्क नाउ। पिछले लास्ट जो सेंटेंस था हमारा जो क्या था कि हम अपना होमवर्क बाद में कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद सेंटेंस जो नेक्स्ट होता है वो टीचर क्या अप्लाई करते हैं वो देखिए, इट्स ऑल राइट ये ठीक है एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स और सभी अन्य स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों से सबमिट योर होमवर्क नाउ। क्या कह रही है मैम कि अपना होमवर्क चेक करवाइए, अपना होमवर्क यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। बच्चे क्या बोलेंगे आंसर में, ओके मैम। सो रिप्लाई में ये आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या अप्लाई किया जाएगा, एंड डोंट वरी जेसिका कंप्लीट इट बाय टुमारो। जेसिका का जो वर्क कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट था बिकॉज शी वाज सिक। सो टीचर ने उनको क्या सिंपैथी दी, एंड डोंट वरी जेसिका कंप्लीट इट बाय टुमारो, तुम इसे कल कंप्लीट कर लेना। तो आंसर में उसने क्या कहा, थैंक यू मैम, मतलब मैम को धन्यवाद दिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास, चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एवरीवन टेक आउट योर साइंस बुक्स, मतलब सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक्स निकालें, मतलब साइंस का चैप्टर है, साइंस का लेक्चर लगा हुआ है अभी, तो इसमें क्या कहेंगे, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लासेस, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड एवरीवन टेक आउट योर साइंस बुक्स, सभी बच्चे अपनी साइंस की यानी विज्ञान की पुस्तक निकालेंगे। बच्चे आंसर में क्या कहेंगे, मैम विच चैप्टर, कौन सा चैप्टर मतलब कौन सा पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है, चैप्टर नंबर 3 एंड पेज नंबर 21। चैप्टर नंबर 3 मतलब थर्ड चैप्टर 3 अध्याय एंड पेज नंबर 21 प्रश्न क्रमांक 21। रिप्लाई में क्या कहेंगे बच्चे, मैम दिस चैप्टर हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब मैम ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैम क्या बोलेंगी फिर, आई नो, मैं जानती हूँ, टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर, आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, मतलब पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चे क्या रिप्लाई देंगे, विल वी रीड द फुल चैप्टर मैम, क्या हम फुल चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आज का लास्ट सेंटेंस है, मैम क्या बोलेंगी, नो मेमोराइज ऑल द डेफिनेशंस फॉर टुडे, केवल हम कुछ परिभाषाओं को याद करेंगे, अपनी स्मृति में दोहराएंगे। मेमोराइज मतलब स्मृति में लाना, रिवाइज करना, याद करना। सो नो मेमोराइज ऑल द डेफिनेशंस फॉर टुडे, ओनली फॉर हम डेफिनेशंस को दोहराएंगे। बच्चे क्या कहेंगे, ओके मैम, सो डू यू अंडरस्टैंड दीज ऑल सिक्स सेंटेंसेस, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैम ने क्या बोला, इट्स ऑल राइट एंड ऑल द अदर स्टूडेंट सबमिट योर होमवर्क, मतलब सभी बच्चों से ये कह रही है मैम कि सभी बच्चे अपना होमवर्क सबमिट यहाँ पर करवाएं। बच्चे क्या रिप्लाई दे रहे हैं, ओके मैम। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, एंड डोंट वरी जेसिका कम्प्लीट इट बाय टुमारो, मतलब जेसिका का जो होमवर्क इनकम्प्लीट था बिकॉज शी वाज सिक। सो थैंक यू मैम, जेसिका क्या बोलेगी, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्या था हमारा, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लासेस, चलिए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एवरीवन टेक आउट योर साइंस बुक्स, सभी बच्चे प्रत्येक बच्चा अपना साइंस की बुक्स निकालेंगे। मैम विच चैप्टर, बच्चे क्या रिप्लाई दे रहे हैं, मैम कौन सा चैप्टर कौन सा अध्याय। सेंटेंस नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू मैम चैप्टर नंबर 3 एंड पेज नंबर 21, मतलब अध्याय 3 है और पेज मतलब पृष्ठ संख्या है 21। मैम
दिस चैप्टर हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड. बच्चे क्या बोल रहे हैं रिप्लाई में, मैम ये चैप्टर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसे हम पढ़ चुके हैं. मैम आई नो टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर, मैं जानती हूँ बट आज हम इस चैप्टर का रिविजन करेंगे, मतलब इसको पुनर्अभ्यास करेंगे. बच्चे क्या कहेंगे रिप्लाई में, विल वी रीड द फुल चैप्टर मैम, क्या हम पूरा चैप्टर फिर से पढ़ेंगे. लास्ट सेंटेंस में मैम क्या बोलती है, नो मेमोराइज, नो मतलब नहीं, मेमोरीज ऑल द डेफिनेशंस फॉर टुडे, केवल हमें जो कुछ डेफिनेशंस है उनको अपनी स्मृति में रखना है, उनको याद करना है, रिवीजन करना है. सर रिप्लाई में क्या कहा जा रहा है, ओके मैम सो डू यू अंडरस्टैंड दिस ऑल सिक्स सेंटेंसेस एंड क्लासरूम कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स. आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन अवर लेटेस्ट अपलोड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच वंस अगेन.